सो हेलो दोस्तों, साउथ सिनेमा की तरफ से हमें हमेशा एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन मूवी देखने को मिली है और कुछ ऐसे आज की इस वीडियो में इस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आज की वीडियो में भीमा मूवी के ट्रेलर रिव्यू के बारे में, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल कंतारा वाली वाइब दे रही है। तो कैसी होगी ये मूवी, क्या इसके ट्रेलर में दिखाया गया और क्या स्टोरी बताती है, तो वीडियो को रिव्यू करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और साथ में प्रेस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगर मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ। तो गोपी चंद की अपकमिंग मोस्ट एंसिपिटेटेड एक्शन थ्रिलर सुपर नेचुरल भीमा मूवी के ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसके अंदर हमें अलग ही कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि गोपी चंद के अंदर कोई अवतार आने वाला है या फिर उनके अंदर दो रोल है भी इस फिल्म के अंदर हो सकते हैं, जैसे कि एक पुलिस वाला और दूसरा वह राक्षसों का विनाश कर रहे हैं। उनके पास भी कोई सुपर नेचुरल पावर आ चुकी है। कॉन्सेप्ट तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है और देखने की बात होगी कि डायरेक्टर भीमा मूवी को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि गोपीचंद फिल्म की भीमा का ट्रेलर कैसा है और उसके अंदर हमें क्या स्टोरी दिखाई जाती है। तो सबसे पहले स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो गोपीचंद फिल्म की भीमा की स्टोरी की बात करें तो इस फिल्म के अंदर स्टोरी हमें सुपर नेचुरल एक्टिविटी राक्षसों और देवताओं की भी दिखाई जाएगी, जहाँ पर हमें ट्रेलर की शुरुआत ही परशुराम भगवान के बारे में बताया जाता है, जो भगवान विष्णु के अवतार है और उन्हीं की ताकत के बारे में हमारे सामने एक्सप्लेन किया जाता है कि वे कितने ज़्यादा पावरफुल थे। तो कहानी भीमा मूवी की ऐसे होने वाली कि पहले तो गोपीचंद का करैक्टर जिसका नाम भीमा ही होने वाला है वो पुलिस ऑफिसर होगा, पर उसका सामना कुछ ऐसे राक्षसों हो जाएगा कि उसका महामुकाबला पुलिस रहकर तो नहीं कर सकता और इसलिए भी उसको कुछ सुपरनेचुरल पावर चाहिए और फिर उसकी मदद कुछ अघोरी करने वाले जो उसको भगवान परशुराम के पावर्स लेने में मदद करेंगे। यही कुछ स्टोरी भीमा मूवी की होने वाली है। इस मूवी के ट्रेलर रिव्यू की, तो भीमा मूवी का ट्रेलर तो देखने में बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, जहां पर विजुअल क्वालिटी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है, पर एक वीएफएक्स को छोड़कर स्टोरी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो फिल्म और भी बेहतरीन बन सकती है। वैसे भीमा मूवी का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही बढ़िया है, अगर उसे सही से एग्जीक्यूट कर दिया जाए तो फिल्म बहुत ही बेहतरीन बनाकर निकलेगी और ये फिल्म कहीं ना कहीं कंतारा मूवी की वाइब को दे रही है और ऐसा लग रहा है कि ये भी कंतारा मूवी जैसे ही कुछ रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे तो हो पाता है या नहीं ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। बाकी फिल्म देखने के लिए बेहतरीन लग रहा है और गोपी चंद का परफॉर्म भी बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अब तो ये देखने की बात है कि फिल्म के डायरेक्टर इसे कैसे बनाते हैं। अब बात करें इस मूवी के रिलीज डेट और कास्टिंग के बारे में, तो भीमा मूवी कास्टिंग के अंदर हमें गोपी चंद, अक्केनेनी प्रिया, भवानी शंकर और मालविक शर्मा भी देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ भीमा मूवी के डायरेक्टर ए हर्ष होने वाले हैं और भीमा मूवी के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक रवि बसरूल देने वाले हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक तो अच्छा ही लग रहा है और इसी के साथ साथ भीमा मूवी के रिलीज डेट का भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि भीमा मूवी थिएटर के अंदर कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी का रिलीज डेट 8 मार्च 2024 की है, तो हमें 8 मार्च 2024 के अंदर ही मूवी थिएटर के अंदर देखने को मिल जाएगी। ये फिल्म केवल तेलुगु के अंदर रिलीज होगी, बाकी अगर मूवी हिट हुई तो इसे हिंदी में भी रीडब किया जा सकता है। तो मैं तो इस मूवी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि कंतारा वाली वाइब दे रही है और मूवी अगर कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट दे दे तो उस मूवी को देखना जरूर बनता है। आप कितने एक्साइटेड है कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आगे जैसे भी कुछ अपडेट मिलेगा मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। अगर आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप भी कोई अपडेट मिस नहीं कर सके। जब तक के लिए मुझे दे दे इजाज़त, बाय बाय।